हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि फायर, इन केस ऑफ अ फायर, डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट? यस मैम. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे हम लोग साउंड इंसुलेशन के लिए एक साउंड इंसुलेटिंग या अकोस्टिक मटेरियल की लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हम लोग थर्मल इंसुल सॉरी फायर प्रूफिंग के लिए भी वो मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रक्चर में, अपनी बिल्डिंग में, टू मेक श्योर दैट हमारी बिल्डिंग जो है वो कुछ एक्सटेंट तक फायर प्रूफ हो जाए. सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज कि इसके पहले बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू गाइस कि वो मटेरियल्स क्या क्या हैं, आई वांट यू टू डू अ लिटिल रिसर्च या स्टडी ऑन दिस कि क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, सो दैट आप उसके एटलीस्ट नाम देख लो, इमेजेस देखो कि कैसे दिखता है वो, सो दैट व्हेन वी डिस्कस इट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ओके, लुक फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. Am I audible? Yes, ma'am. Did you guys hear? मैंने अभी क्या कहा? Yes, ma'am. क्या? Ma'am, to do a little browsing for the materials used in fabric. Right. तो I'm giving you 15 minutes to do that, and फिर discuss करते हैं कि क्या देखा है आपने. Yes, ma'am. मैम, यस इतना मैम, आई फाउंड अ लिटिल, मतलब कैन आई टेल, जस्ट लुक फॉर मोर,
काफी सारे मटेरियल्स होते हैं, कीप नोटिंग इट डाउन आप जो जो ढूंढ रहे हो, एंड देन वील डिस्कस आफ्टर 15 मिनट्स। ओके मैम।
आर यू एबल टू फाइंड समथिंग इशरत शिवम? यस मैम।
ओके सो क्या ढूंढा आपने चेतना? इशरत, यस मैम। व्हाट डिड यू फाइंड? मैम आई फाउंड जिप्सम प्लास्टर, पायरोक्रीट मैश एंड वर्मिक्यूलिट प्लास्टर, स्टको इज ऑल्सो अ प्लास्टर, टेराकोटा फॉर फ्लोरिंग एंड सीमेंट जिप्सम स्लैग वूल एंड कार्बन ब्लैक, माइका एंड इंटुमेसेंट कोटिंग एस्बेस्टस। हाँ, सीमेंट एस्बेस्टस तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। यस मैम। एंड फाइब्रस प्लास्टर कंटेनिंग आइदर मिनरल वूल और सेरेमिक फाइबर्स। ये क्या होते हैं ये देखा? यस मैम, कुछ कुछ का देखा है जैसे वर्मिक्यूलिट प्लास्टर एंड स्टको एंड माइका मैम शाइनी सिलिकेट होता है। सॉरी, मैम माइका शाइनी सिलिकेट होता है एंड मैम सारे मटेरियल मतलब एक टाइप से प्लास्टर ही होते हैं जिनकी मतलब कोटिंग की जाती है। अच्छा, जिनकी कोटिंग वॉल्स पे की जाती है, वॉल्स, सीलिंग्स, फ्लोर्स पे की जाती है। यस मैम। एंड मैम सीमेंट मोर्टार विथ सुर्खी यूज किया जाता है, मतलब सुर्खी या पोजोल पोजोल है ना। सुर्खी क्या होता है? अच्छा, मैम सुर्खी ऐसे नाम मतलब पता है वैसे इमेज देखी है बट पता नहीं क्या है। सी सुर्खी यस क्या मैम। होता है? एक तरह का पाउडर होता है जिसे हम ईंट्स को या बर्न की हुई क्ले को पाउडर करके जो चीज़ मिलती है वो सुर्खी की होती है, उसे पोजोलेनिक मटेरियल बोलते हैं। तो इससे हम सीमेंट मोर्टार में अगर मिला देते हैं या कंक्रीट में मिला देते हैं तो इससे वो सीमेंट या वो कंक्रीट वाटरप्रूफ हो जाता है। एंड इससे ये सॉल्ट सॉल्यूशंस और एल्कलीज के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो जाता है। एंड बेसिकली जो पोजोलांस होते हैं, मीनिंग ये जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी इज बेसिकली जो सिलिका या सिलिका वाले एल्युमिनियम मटेरियल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड इसमें ये बेसिकली वाटर को मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब दे रिएक्ट अगेंस्ट वाटर। तो इसीलिए इसे अगर हम कंक्रीट या सीमेंट में मिला देते हैं तो वो वाटर प्रूफ हो जाता है। ओके मैम। सुर्खी को ट्रास भी बोलते हैं या इंग्लिश में ब्रिक डस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, गुड। शिवम, आपने क्या ढूंढा? यस मैम, बता। ज़्यादा मैम नहीं देखा, बस क्यों ज्यादा नहीं देखा? आज भी बाहर है। माइनर। यस मैम, माइनर बोर्ड और जिप्सन बोर्ड यही सब देखा था, परलाइट बोर्ड, कोई बात कैल्शियम नहीं, नहीं हो सिलिकेट। सकता। देखो हम लोगों के पास एंडलेस लिस्ट तो है नहीं फायर प्रूफिंग मटेरियल्स की, तो ऐसा हो सकता है कि जो इशरत ने बताया वो सेम मटेरियल्स आपने भी देखे हो। तो कोई बात नहीं, अब दोबारा बता दो, इट्स ओके। यस मैम, वही सोडियम सिलिकेट, माइनर बोर्ड, जिप्स बोर्ड एंड माइनर बोर्ड क्या परलाइट होता बोर्ड, है? ये सब देखा था मैम।
कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है? कैल्शियम हम भी ऐसे ही पढ़ा दिया करें, गूगल करें, जो विकिपीडिया की सबसे पहले लिस्ट आए वो बता दें, बस हो गया। कैल्शियम सिलिकेट एक बेसिकली हाइड्रस या एनहाइड्रस सब्सटेंस होता है, जो जिसमें सी नाम से पता चल रहा है इसमें कैल्शियम है, इसमें सिलिकेट सिलिकेट है। तो बेसिकली सिलिका एंड कैल्शियम, इनसे क्या होता है? टेम्परेचर हीट मैम। हाँ मतलब ऑब्वियसली अगर फायर प्रूफिंग मटेरियल है तो हाँ। देखो इससे तीनों चीज़ें होती हैं, कैल्शियम सिलिकेट जो मटेरियल है इससे थर्मल इंसुलेशन भी मिलता है, फायर प्रूफिंग भी होती है, एंड अकूस्टिक इंसुलेशन भी होता है। एंड इनफैक्ट इट इज़ अ FDA अप्रूव्ड मटेरियल, मतलब ये आप एनिमल फूड जो होता है, जो पेट्स को खाना खिलाया जाता है उसमें भी होता है। सो इट इज़ सेफ फॉर ईटिंग, एंड बेकिंग पाउडर में भी होता है। तो इट्स अ सेफ मटेरियल टू यूज़ इन योर बिल्डिंग्स। सो इससे जैसे एस्बेस्टॉस था, उसे हम अपने बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। इट्स अ टॉक्सिक, इट्स अ कार्सिनोजेनिक मटेरियल, मतलब उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कैल्शियम सिलिकेट इज़ इनफैक्ट सेफ फॉर ईटिंग, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। एंड कैल्शियम सिलिकेट और सीमेंट बोर्ड दो अलग चीज़ें होती हैं। एंड कैल्शियम सिलिकेट बेसिकली वाइट कलर का बोर्ड होता है, मतलब जिस फॉर्म में हम इसे फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं वो बेसिकली उसके वाइट कलर के बोर्ड्स आते हैं, अलग अलग थिकनेस के, इवन और शेप्स भी आते हैं। तो आप इसे पैनलिंग की तरह या जैसे जिप्सम बोर्ड को हम यूज़ करते हैं उसके लिए, फॉल सीलिंग वगैरह के लिए, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा हैवी होता है। यस मैम। तो जो पतले बोर्ड्स आते हैं स्पेशली फॉल सीलिंग के लिए, तो ये इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स में हम एज अ फॉल सीलिंग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा हैवी ड्यूटी फायर प्रूफिंग की ज़रूरत हो। एंड ये ट्यूब के फॉर्म्स में भी आते हैं, बहुत बहुत तरह से आते हैं, क्योंकि बेसिकली एक पाउडर्ड चीज़ होती है। कैल्शियम सिलिकेट एक पाउडर होता है, अमॉर्फस होता है, इसे हम किसी भी शेप में डाल के इसको बाइंड कर सकते हैं। सो ये आपको ट्यूब्स के, पाइप्स के शेप में, बोर्ड्स, शीट्स, हर तरह से मिलता है, और ये हर तरह की इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो इससे आपको ना सिर्फ अकोस्टिक, ना सिर्फ फायर प्रूफिंग, बट कि थर्मल इंसुलेशन भी मिलेगी। सो इट्स काइंड ऑफ ऑल इन वन। तो आप ऑडिटोरियम्स में इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, एंड बिकॉज इट्स जस्ट वाइट प्लेन, तो आप इसके ऊपर कुछ और एस्थेटिक्स के लिए कुछ और भी पैनलिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। और यू कैन जस्ट कमर्शियल स्पेसेस में या मॉल्स में आप ऐसे भी छोड़ सकते हो फॉर द जो भी ऑक्यूपेंट होगा उस शॉप का, टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू। तो एज अ बेस इसे यूज़ कर सकते हैं। और क्या ढूंढा आप? यस मैंने माइनर बोर्ड स्पेलिंग बताना। क्या मैम। स्पेलिंग स्पेलिंग क्या है? MINERAL WOOL। मिनरल वूल। यस मैम। इतना थकी हारी आवाज हम लोग की सुबह सुबह आ रही है। यस मैम, मिनरल वूल क्या होता है?
देखो सर्च करो, पता करो क्या होता है मिनरल वूल, मैम एटलीस्ट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। है इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है. इज दैट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप जो आप गूगल करते हो? इज क्या आता है, फाइबर्स. मिनरल वूल बेसिकली देखने में फोम जैसा होता है, येलोइश कलर का. यस इसे मैम, यस मैम, अकोस्टिक देखा था। मटेरियल में यूज करते हो, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह की पैनलिंग में अगर आप देखो तो ये दिखेगा. इट फील्स कि उसमें फोम लगा हुआ है, बट इट्स नॉट फोम, इट्स मिनरल वूल. एंड मैं इमेजेस सेम देखी थी तो गूगल हाँ पे मैं, तो उसकी थ्योरी भी पढ़ी थी तो उसमें ये लिखा था, तो बता दिया तभी। सी, जब आप गूगल करेंगे मिनरल वूल एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही लिखा मिलता है, मिनरल वूल इज अ नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट. इट्स ओके, कोई बात नहीं. दैट्स व्हाट आई वांटेड कि आप लोग ढूंढो, तो आप ढूंढ रहे हो, दैट्स ओके. अब आपको पता है कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है. इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि ये नेचुरल मटेरियल से नहीं बना है, नेचर में इसी फॉर्म एंड शेप में नहीं मिलता है, हम इसे बनाते हैं, इस तरह का बनाते हैं. वी डोंट हैव मिनरल वूल ग्रोइंग ऑन ट्रीज बेसिकली. ये हम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स जैसे कि सिलिका होता है या स्टोन, इन सारी चीज़ों को यूज करके वी मेक इट इनटू ए वेरी फाइबरस काइंड ऑफ अ शीट्स, पतली पतली, जिन्हें लेयर करते जाते हैं. जैसे रुई होती है वो कई लेयर्स में बनी होती है, उस तरह से ये होता है. इसलिए इसे वूल कहते हैं. एंड मिनरल वूल इसलिए क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली मिनरल्स होते हैं. सिलिका आप देखोगे कि मोस्टली जितने भी इस तरह के मटेरियल्स हैं जो अकोस्टिक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जो थर्मल इंसुलेशन या फायर प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली फायर प्रूफिंग, उसमें सिलिका होगा, मोस्टली होगा. जैसे कि अभी इशरत आपने कौन सा बताया था, मैम स्लैग वूल. एंड कैल्शियम सिलिकेट एंड शिवम आपने जो बताया मिनरल वूल, इन सब में सिलिका का कुछ ना कुछ कंटेंट होता है. एंड यस मैम, वील सी वाई. एंड ओके शिवम, आपने कुछ और ढूंढा? मतलब इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? नो ओके. एंड चेतना. यस मैम. मैम वी कैन यूज जिप्सम बोर्ड, अगेन कैल्शियम सिलिकेट, वर्मिक्यूलेट, पेरलाइट एंड सेलुलोज रीइंफोर्समेंट कंक्रीट क्लैडिंग, इवन देन टेराकोटा एंड स्टको एंड प्लास्टर एंड मोर्ट. मैम देन वो यूर लिस्ट रिपीट होगी जो कल आपने बताई थी प्रीवियस क्लास में. ओके हाँ, वो बिल्डिंग मटेरियल में आ जाते हैं बाकी चीज़ें. तो पर्लाइट मैंने आई थिंक तीनों लोगों ने ढूंढा है. व्हाट इज पर्लाइट, मतलब किस तरह से हमें मिलता है? क्या ऐसे ही पूरा पर्लाइट जैसे हमें रॉक्स मिलती हैं कि वैसे ही मिलता है? व्हाट इज पर्लाइट? मैम पर्लाइट इज बेसिकली अ वुड कलर बोर्ड और अ शीट, मतलब अवेलेबल इन बोर्ड्स एंड शीट्स. इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, मतलब बेसिकली उसका टेक्सचर, मतलब जैसे वो ब्राउन बोर्ड्स नहीं आते हैं रफ से होते हैं थोड़े से, कुछ वैसा होता है उसका टेक्सचर. और ये मेरे ख्याल से कॉम्पोजिशन से बने होते हैं, फाइबर्स एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकेट. ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है. यस परलाइट का एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है. आप अगर प्लांट्स ग्रो करने में इंटरेस्ट रखते हो तो यू विल नो कि हम लोग जब भी कोई गमला प्रिपेयर करते हैं, मतलब गमले में जब मिट्टी प्रिपेयर करते हैं कोई नया पेड़ लगाने के लिए, तो हम उसमें नीचे रॉक्स डालते हैं, छोटे छोटे पत्थर डालते हैं, देन एक लेयर ऑफ मिक्स्ड बार्क और उस मिट्टी डालते हैं, देन वी पुट पर्लाइट इन इट. पर्लाइट बेसिकली बहुत छोटे छोटे कंकड़ जैसा दिखता है, वाइट कलर का. यस मैम, यस मैम। एंड इसे हम लोग बहुत
बहुत कॉमनली आप देखोगे कि आपको इवन मिक्सचर्स मिलते हैं ऑनलाइन, जो थोड़ी मिट्टी, पॉटिंग सॉइल और परलाइट का मिक्स होता है, एंड इवन किसी किसी में वर्मी कलाइट भी मिला होता है, जो कि एक और इंसुलेशन मटेरियल है, फायर प्रूफिंग मटेरियल है। सो परलाइट के जो शीट्स एंड बोर्ड्स मिलते हैं, वो परलाइट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो हम लोगों को इग्नियस रॉक्स के साथ मिलता है। मीनिंग जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो लावा निकलता है उसमें से, कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स, मेटल्स और नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, राइट? तो जब वो कूल डाउन होके रॉक्स बनने लगती हैं, उसकी इग्नियस रॉक्स बनने लगती हैं, तो उसमें जो सिलिका कंटेंट होता है और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं विच डू नॉट फॉर्म इनटू रॉक्स, उससे ये ऐश जैसी जो रह जाती है, द रिमेनिंग पोर्शन जो ऐश, वॉल्केनिक ऐश होता है, वो बेसिकली परलाइट होता है। एंड ये फर्टिलाइजर की तरह नहीं, बट हाँ, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, इसमें सिलिका होता है एंड और भी चीज़ें जो अभी चेतना आपने बताई, दीज आर ऑल गुड फॉर प्लांट्स ऑल्सो एंड दीज आर ऑल गुड फॉर फायर प्रूफिंग एज वेल। क्योंकि ये वॉल्केनिक ऐश होता है, तो इट डजन ऑब्वियसली डज नॉट बर्न ईजिली। ऐश कभी जलती नहीं है, राख होती है वो, इट इट डजन बर्न, राइट? एंड स्पेशली वॉल्केनिक रॉक या वॉल्केनिक ऐश जो होती है, इट इज़ वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू वॉट टू फायर, क्योंकि इट कैन बेयर टेम्परेचर्स अप टू 1300 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोगों ने देखा था कि व्हेन फायर गेट्स रियली आउट ऑफ हैंड, तब 1200 डिग्रीज टेम्परेचर जाता है समटाइम्स। बट दैट्स इन केस अगर फायर ऑलरेडी शुरू हो गई है एंड इट हैज स्प्रेड आउट टू मल्टीपल स्टोरीज, कई फ्लोर्स पे आग स्प्रेड हो गई है, तब इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है। बट इफ यू ऑलरेडी हैव फायर प्रूफिंग मटेरियल इन योर फॉल सीलिंग, इन योर स्लैब, इन योर वॉल्स, तो टेम्परेचर कभी उतना ज़्यादा जाएगा ही नहीं। एंड इफ इट इवन डज, तो भी योर बिल्डिंग एंड द ऑक्यूपेंट्स विल बी समवॉट प्रोटेक्टेड। जो फायर है वो स्प्रेड आउट नहीं होगी इंटू अदर स्पेसेस ऑफ द बिल्डिंग और द कंस्ट्रक्शन। एंड वर्म्यूक्युलाइट भी एक सिमिलर चीज होती है। पीपल सम कभी कभी दे गेट कंफ्यूज बिटवीन वर्म्यूक्युलाइट एंड परलाइट। वर्म्यूक्युलाइट मिट्टी जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक परलाइट, पर वो ब्राउन कलर का होता है। एंड ये भी हम लोग पॉटिंग सॉइल में यूज करते हैं। इसको पॉटिंग सॉइल में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे सॉइल पोरस होती है। इसमें सॉइल एरेट होती है, तो उससे हवा पास होती रहती है एंड इट उससे वो स्टिफनेस नहीं आती। जैसे नॉर्मली अगर आप मिट्टी कहीं गार्डन से खोद के अपने पॉट में लगा लोगे तो वो बहुत हार्ड हो जाती है। अगर हम वर्मिक्यूलाइट और परलाइट ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो पॉटिंग सॉइल जो स्पेसिफिकली गमलों के लिए आती है, वो कभी स्टिफ नहीं होती, वो हमेशा हार्ड हो ऐसे इट मॉर्फ अमॉर्फस भुरभुरी बनी रहती है। एंड वेन इट कम्स टू फायर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग में अगेन वो भी वैसे ही जैसे कि परलाइट की शीट्स आती हैं, उसी तरह की शीट्स आती हैं, बट इट लुक्स काइंड ऑफ ग्रेइश एंड ब्राउनिश। एंड ये मॉइस्चर रिटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। एंड व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि ये बहुत ही पोरस मटेरियल होता है विच एब्जॉर्ब्स वाटर या मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द बिल्डिंग। एंड तो व्हाट हैपेंस इज कि इट रिटेन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है फ्रॉम द एटमॉस्फियर। एंड इन केस ऑफ अ फायर, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो वर्मिक्यूलाइट इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द फायर, वो उसका पानी इवेपोरेट होने लगता है धीरे धीरे। एंड अल्टीमेटली जो स्टीम क्रिएट होती है, वो स्टील को और बाकी जो फायर कम फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती रहती है। सो
सो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टील सेक्शंस यूज होते हैं ब्रिजेस में और कंस्ट्रक्शन में, उसके ऊपर वर्मिक्यूलाइट की एक लेयर बना देते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि स्टील पे जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से एक्सपोज होता है स्टील, तो इट बिकम्स सॉफ्ट एंड अल्टीमेटली बिल्डिंग जो उस पर रेस्ट कर रही होती है इट इट कोलैप्सेस। सो अगर वर्मिक्यूलाइट का एक्सफोलिएटेड वर्मिक्यूलाइट का एक लेयर है ऑन टॉप ऑफ योर स्टील मेंबर्स, तो व्हाट हैपेंस इज कि इंस्टेड ऑफ यू नो लेटिंग द स्टील एंगल्स एंड वो सारी चीज़ों को हीट अप होने से बचाता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स गिविंग ऑफ स्टीम, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है इट स्टार्ट्स एवेपोरेटिंग स्टीम के फॉर्म में एंड अल्टीमेटली कूल्स डाउन द स्टील सर्फेस। एंड जो जिप्सम प्लास्टर बोर्ड बनता है, जिसे हम लोग ड्राई वॉल या वॉल बोर्ड बोलते हैं, वो बेसिकली वर्मिक्यूलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया जाता है। ओके, सो अभी आप लोगों को एक थोड़ा बहुत जनरल आइडिया होगा कि किस टाइप की चीज़ें होती हैं फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह यूज़ होती हैं। नेक्स्ट टाइम हम इन्हीं सब चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे एंड वील गो मोर इनटू डिटेल। ठीक है? यस एंड आल्सो मंडे से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम मींस नेक्स्ट वीक, मतलब मीनिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जब भी आईएएस की क्लास होगी। एंड प्रैक्टिकल्स आए तो आपके पिछले सेमेस्टर के हैं, तो आई एम ऑप्टिमिस्टिकली अज्यूमिंग कि आपका काम हो गया होगा। नहीं हुआ तो दैट्स वेरी बैड, यू हैड अ होल सेमेस्टर एंड आपका ये मैम उसके प्रैक्टिकल भी होंगे क्या? नहीं आई थिंक आपका काम अब तक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि देर वर सो मैनी मंथ्स कि आप लोग आते थे यहाँ पे काम करते थे एंड सेमेस्टर चलता जा रहा था चलता जा रहा था चलता जा रहा। होपफुली हो गया होगा काम, नहीं हुआ है तो कंप्लीट इट। एंड बेसिकली जिस सीक्वेंस में आपके सब्जेक्ट्स हैं वो 300, 3, 4, 5, 6 उसी सीक्वेंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली और आपको डेट शीट आज शाम तक शेयर कर दी जाएगी। मैम मेरे मेरा सारा वर्क सौरभ के पास है मैम, क्यों? वो स्टेशन पे भूल गया था गलती से चार्ट बॉक्स, मंडल सौरभ ले मंडल गया मैम। उसको बोलो मंगा दी, वो सौरभ को भी प्रैक्टिकल्स अटेंड करने हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन हो गया? यस मैम मैं हाँ उसे मंगवा लूंगी। मंगवा लो। एंड जैसे आप लोगों ने अभी आईएएस, आई एम सॉरी नॉट आईएएस, कौन सा सब्जेक्ट, फर्नीचर डिजाइन में मुझे प्रेजेंटेशन दिया था ज्यूरी का, यस मैम। वैसे ही प्रेजेंटेशन देना होगा। तो आप अपने वर्क को या तो अच्छे से अपने किसी रूम की वॉल पे पिनअप कर लो जहाँ पे लाइटिंग अच्छी होती है एंड यू कैन हैव योर कैमरा सेटअप प्रॉपरली एंड आप उस पे खड़े होके लाइक सामने खड़े होके प्रेजेंटेशन दे सकते हो, दैट कैन ऑल्सो वर्क। या फिर आप अपने वर्क को प्रॉपरली स्कैन कर लो सारी शीट्स को एंड फिर वो स्कैंड फोटोज का आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बट देन उसमें यू वॉन्ट बी एबल टू यू नो जेस्टिक्युलेट, उसमें प्रॉपरली नहीं दिखा पाओगे। सो वट एवर सूट्स यू, बस मेक श्योर कि आपका वर्क जो आपने मेहनत की है वो अच्छे से दिखे एंड यस मैम बाकी वी विल डिस्कस शाम को वेन एवर। आई वुड लाइक कि एक बार आप सबसे आई कैन टॉक कि कैसे वर्क करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। सो डिसाइड अमंग्स योर सेल्स, आप सब लोग, ऑल आई थिंक 10 ऑफ यू, डिसाइड अ टाइम एंड आई कैन होस्ट अ छोटा सा मीटिंग एंड वील डिस्कस सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप लोगों ने ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स नहीं दिए हैं कभी। यस यस मैम, सो डिसाइड एंड ऑब्वियसली आज शाम तक या कल तक लेट मी नो एंड वील हैव अ स्मॉल मीटिंग टू डिस्कस इट। ओके मैम, ओके, ऑल द यस बेस्ट, मैम थैंक थैंक यू। यू मैम।